हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 का ICAR SRF पेपर फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और यदि आप हमारे कोर्स ICAR JRF को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। JRF के सारे कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उन्हें परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यदि एग्रीकल्चर एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, व्हाट डू यू टर्म द फिनोमेना वेयर बाय द स्पेसिफिक जीन इज एडेड टू प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग अ डिजायरेबल फिनोटाइप। तो इनमें से किस टर्म का यूज़ करते हैं जहाँ पे हम स्पेसिफिक जीन को ऐड करते हैं प्लांट को, प्लांट में जिस किसके लिए प्रोड्यूसिंग अ डिजायरेबल फिनोटाइप के लिए, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, माइक्रो इरिगेशन फंड ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन प्लेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो माइक्रो इरिगेशन जो फंड है 5 करोड़ का, वो प्लेस्ड किया जाता है किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, येलो वीन मोज़ेक इज द वायरल डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो आप सभी को पता है कि येलो वीन मोज़ेक वायरस जो डिजीज़ है वो वायरस से कॉज होती है, और इसका जो किस्में होती है लेडी फिंगर में एबल मस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, ओकरा भी बोलते हैं हम इसे, विच इज़ द फोकस ऑफ द पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इसमें किसको फोकस किया गया है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, फार्मर्स को। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज श्रब्स वाइन्स पेरिनियल वुडी प्लांट्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे हम बोल देते हैं, जब भी हम आर्बोरी कल्चर में किसका स्टडी करते हैं, हम एक इंडिविजुअल प्लांट्स को लेकर, श्रब्स को लेकर, वेन्स को लेकर, पेरिनियल वुडी प्लांट्स को लेकर हम स्टडी करते हैं। पोमोलॉजी, तो आपको पता है कि हम लोग इसमें फ्रूट्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल। तो आप सॉइल हेल्थ कार्ड, तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें बोल रहे हैं कि किस कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं आता। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है समझ जाओ, उसका NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, जिंक नहीं है, तो जिंक इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनपुट यूनिट कौन सी नहीं है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है वो क्या बोल देते हैं हम इसको, इनपुट यूनिट है, लेकिन जो स्क्रीन है वो इसकी इनपुट यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड एजुकेशन इन इंडिया, बूट्स डेस्पेच। नेक्स्ट है, द इंट्रैक्शन ऑफ सॉइल्स विथ लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट्स आर वेल नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हम लोग सॉइल का स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ पे इंट्रैक्शन में, तो उसे हम एडाफोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। पैडोलॉजी में हम सिर्फ सॉइल का स्टडी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉइल के ओरिजिन से लेके उसका क्लासिफिकेशन उसी का स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट्स को लेके, प्लांट्स को रिलेशन में रख के सॉइल में स्टडी करते हैं, उसे हम एडाफोलॉजी बोल देते हैं। नेक्स्ट है, द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर से आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, हाउ डू यू टर्म द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स टेक प्लेस। तो इसमें से आपको बताना है कि ये किस फॉर्म में होता है एग्रीकल्चर, जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है किसका, क्रॉप्स का, एनिमल प्रोडक्ट्स को लेके, तो इसे हम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 का, विटामिन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो उसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर।
किस ईयर में गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1920। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज टू मेजर द पावर एंड स्पीड ऑफ द विंड? तो इसमें से स्पीड विंड की या मेजर द पावर विंड की हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसके डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सोशल एस्पेक्ट्स इन इट्स एथ? वो है परमा कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, कोल क्रॉप, रूट क्रॉप्स एंड लेग्यूम्स कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आप बात कर सकते हो जो कोल क्रॉप है, रूट क्रॉप होगी ना, लेग्यूम क्रॉप्स हो गए, वो किसके अंडर पे आते हैं? वो आते हैं ओलेरिकल्चर पे। ठीक है, पोमोलॉजी में क्या आते हैं? फ्रूट्स से आते हैं। आर्बोरिकल्चर में श्रब्स ट्रीज आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ओलेरिकल्चर इज करेक्ट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटिंग MIDH स्टैंड फॉर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तो है वो 2014 to 2015। नेक्स्ट है, द एन इस्लामिक रेविवालिस्ट मूवमेंट नेम्ड बहावी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? वो है सईद अहमद। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इफेक्टेड बाई मम्स डिजीज? मम्स डिजीज में कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड होता है? वो है पैरोटिड। ठीक है, नेक्स्ट है, गिवन बिलो दैट आर टू स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, assertion और reason। तो आपको इसमें बताना है कि आंसर क्या सही होगा। मैप कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो मैप है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो रिजल्ट क्या करता है, प्रोजेक्शन ऑफ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। रीजन क्या होगा, प्रोजेक्शन इज अ मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल अर्थ इंटू टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस पेपर। तो जो एजर्शन और रीजन है वो तो ट्रू है, बट जो आर है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर ट्रू? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए वो ट्रू है? ड्रिजल इज फेयरली यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन कंपोज एक्सक्लूसिवली ऑफ फाइन ड्रॉप्स इज करेक्ट है, और सी जो है ड्रॉप्स लार्जर देन ड्रिजल फॉर्म रेन। तो जो ड्रॉप्स है यदि ड्रिजल से ज़्यादा होगा तो वो रेन को फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट है, इन इंडिया द CGS ऑफ मेजरमेंट वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर अक्टूबर 1962 में ये अडॉप्टेड किया गया था, विच इज एन एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन यूज फॉर द सैम्पलिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एम्बियंट एयर इन द रेस्पायरेबल डस्ट सैम्पलर RDS? तो इसका आंसर जाएगा पोटेशियम टेट्राक्लोरो मर्क्यूरेट TCM। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन बैम्बू हैज़ बीन इंक्रीज और डिक्रीज टू एनकरेज डोमेस्टिक यूज ऑफ बैम्बू? इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10 to 25%। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग विंड स्पीड। विंड स्पीड के इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो इन द फर्स्ट डी लो प्रेशर, देन डिप्रेशन, देन डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन केरला? केरला में जो नॉर्मल डेट है ऑनसेट ऑफ मानसून की वो है 1 June। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक फिनोमेना ब्रिंग रेनफॉल इन तमिलनाडु फ्रॉम नवंबर टू जनवरी? नवंबर से जो जनवरी में जो तमिलनाडु में रेनफॉल का फिनोमेना आता है, क्लाइमेटिक फिनोमेना, वो किसका होगा? वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए बी डी ओनली इसके करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3, प्रिवेलिंग वेस्टलाइज आर रिलेटेड टू फेरल सेल। नेक्स्ट है आपका, ट्रेड विंड्स आर रिलेटेड टू हैडली सेल्स, और डी है पोलर सेल गिव्स राइज टू पोलर स्टेलाइज, ये है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इस पे दिया है, एज पर ISFR 2019 द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर अंडर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट इज 3,08,000
472 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, इफ़ विंड स्पीड इंक्रीजेज बाय 3 times द एरोसिव एनर्जी ऑफ द विंड रेजाइम विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 9। यदि विंड की स्पीड को 3 times में इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो एनर्जी एरोसिव एनर्जी है विंड रेजाइम की वो कितने इंक्रीज होगी, कितने फैक्टर इंक्रीज होगी, तो वो 9 factor इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब आपको इस पे मैच करना है, फिजिकल पैरामीटर्स दिए हैं, उनके ऐसे यूनिट दिए हैं, अब आपको इसको आप इसको मैच कर दीजिएगा। आपको जो ऑप्शन दिए हैं देखिएगा, वर्क की जो यूनिट होती है, ऐसे यूनिट होती है वर्क की जूल। नेक्स्ट आपको दिया है मोमेंटम की, मोमेंटम की आपकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है ये, ठीक है, ये इसका ये होता है एंड ये इसका ये होता है। डेंसिटी का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वेवलेंथ का हो जाएगा मीटर। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर उसकी ऐसा ही यूनिट। अंडर क्योटो प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज नॉन एनेक्स फर्स्ट कंट्री आर एलिजिबल फॉर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ओनली, ठीक है। फैन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ इज पास्ड थ्रू अ मीडियम, द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट बाय द मीडियम डिपेंड्स ऑन, जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ का पास होती है एक मीडियम के थ्रू, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है किसके द्वारा, मीडियम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, बोथ ऑन पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। विच इज़ द फॉर्म ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, तो इनमें से किसका फॉर्म है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो है होलार्ड। वॉट इज परमिसेबल साउंड लेवल एट डे टाइम इज इन कॉमर्शियल एरियाज, DBA इज 65, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है, एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। इफ़ द डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर MLT रिस्पेक्टिवली, देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t^-2, इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन होगा एनर्जी का। नेक्स्ट है, फॉर अ सॉइल बींग कम्पैक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो जो सॉइल है वो कम्पैक्टेड है, इसका स्टेटमेंट क्या ट्रू है, तो इसका होगा A, B, और C। बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस, कि जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। मैक्रोपोस्ट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजेज, जब आपके क्या बोल रहे हैं कि जब बल्क डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसके जो पोर्स स्पेस है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो मैक्रोपोर्स और जो मैक्रोपोर्स है वॉल्यूम डिक्रीजेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैच करना है फिर से इस पर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना दिया है और मेच्योर क्लासेस दिए हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए का जो होगा वो थर्ड होगा, रेनबो जो है वो फोटोमीटर से हम इसको क्या करते हैं मीटर क्लासेस की। डस्ट स्टॉर्म जो है वो है लिथोमीटर, ठीक है ये। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म्स है वो हो गया आपका इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है स्नोफॉल्स जो है वो है आपका क्या हो जाएगा इसका फोटोमीटर, ठीक है, सॉरी इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है, स्नोफॉल का हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज़ मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, किस टाइप के फॉरेस्ट का एरिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा एरिया है, वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस, इनमें से कौन सा सैटेलाइट जो है इंडिया का लॉन्च हुआ था स्पेस में, वो है आर्यभट्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स सिमुलेट्स सॉइल वाटर फ्लो प्रोसेसेस हाइड्रस। नेक्स्ट है इफ़ द ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल विथ अ डेप्थ ऑफ 125 cm इज 0.2%, द एसओसी स्टॉक डेंसिटी ऑफ द प्रोफाइल विल बी एज्यूम वल्क डेंसिटी इज 1.5 mg/m³। इसका आंसर जब आप इसको निकालेंगे तो आंसर होगा 37.5 tons/hectare। गिवन बिलो द आपको 2 statements दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वन धन योजना और वन धन स्कीम एंड इनिशिएटिव टारगेटिंग लाइवलीहुड जनरेशन फॉर ट्राइबल गैदर्स वॉज लॉन्च्ड इन 2015। तो जो वन धन योजना है वन धन स्कीम है वो टारगेट करती है जो लाइवलीहुड जनरेशन है जो लाइवलीहुड ट्राइब्स हैं उनको लॉन्च किया गया था 2015 में। स्टेटमेंट 2 इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वन धन योजना और वन धन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल इंटू एंटरप्रेन्योर्स।
नॉर्मली बात है, इस योजना का जो स्कीम उद्देश्य था वो ये था कि जो ट्रैवल्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो वन है वो तो इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन है, डिजिटल इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेस्ट डाटा फॉर द एंटायर कंट्री हैज़ बीन डन बाय फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून फ्रॉम विच साइकिल ऑफ असेसमेंट। एट इंटरनेशनल डे डेट और मंथ आपको दिया है। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है ओके 22 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अर्थ डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। एनवायरनमेंट डे जो है उसको 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू आ सैचुरेटेड सॉइल कॉलम डिपेंड्स ऑन बोथ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल कॉलम। हु इन्वेंटेड बैरोमीटर, किसने बैरोमीटर को इन्वेंटेड किया? तो वो हैं इवन जेलिस्टा टॉरिसेली, इन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया। वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMD। Which is the dominant source of NOx in the atmosphere? Fuel NOx, ठीक है। Next है, what is the value of environmental lapse rate at troposphere में? lapse rate क्या है, value है 6.5 degree Celsius किलोमीटर पर किलोमीटर। In soil structural evolution study, it is often said aggregation is fluctuation plus this plus क्या कहलाता है? cementation। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डबल डिगिंग मेथड इज यूज बायो इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्लाइस का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? सिलिका ऑक्साइड SiO2। नेक्स्ट है विच क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विथ नॉर्थ वेस्टर सोअर? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, कुमुलो निम्बस क्लाउड, सॉरी एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड है। नेक्स्ट है द बीडी इज अ थिन सिगरेट और मिनी सिगर फिल्ड विथ टोबैको फ्लैक एंड कॉमनली रैप्ड इन लीव्स ऑफ, इसको बोल सकते हैं हम डायोस्पायरस मेलानोजाइलॉन। नेक्स्ट है विच डिकेड कंसिडर्ड एज यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसका आंसर होगा 1991 to 2000। आइसोटोप्स ऑफ एन एटम डू नॉट हैव, आइसोटोप्स के एटम के पास क्या नहीं होता है? नॉट बोला है, द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोटोप्स ऑफ एन एटम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैक्सिमम थर्मोमीटर एंड मिनिमम थर्मोमीटर इन स्टीवेंसन स्क्रीन, बोथ आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली। तो इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है कि दो ही हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलोज, तो आंसर हो जाएगा ACD। तो लेटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली ऑन और नियर 180 degree लेटिट्यूड एंड नेक्स्ट है 0 degree लेटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हु रोड द बुक टॉकिंग एनवायरनमेंट, किसने बुक को लिखा, टॉकिंग एनवायरनमेंट बुक लिखी, वो है वंदना शिवा। अरेंज द फेज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रांजिशन इज द इन द करेक्ट सिक्वेंस, में आपको बताना है ABCD। डिफॉरेस्टेशन फेज, एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन फेज, एफॉरेस्टेशन फेज, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मैच करना है इस कॉलम को, आपको यहाँ पे दिया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब आया था, वो है ईयर है उसका 2010। नेक्स्ट है ठीक है ये 2010, उसके बाद आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरनमेंट जो एक्ट था वो आया था 1986 और ये जो बचा ये द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। नेक्स्ट है इफ़ द साइज ऑफ आर नैनो पार्टिकल इज डिक्रीज बाय 2 times द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द नैनो पार्टिकल विल इंक्रीज बाय 2 times। यदि नैनो पार्टिकल का साइज जो है वो 2 times डिक्रीज होता है
तो जो सरफेस है वॉल्यूम रेशियो का नैनो पार्टिकल का वो दो टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर लेयर वेयर मोस्ट ऑफ वेदर फिनोमेना अकर्स। इसमें से कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वहाँ जहाँ पे वेदर फिनोमेना ज़्यादा होता है वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 knot इन किलोमीटर पर आर। इसका आंसर होगा 1.852 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है वो है बरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टेट में एजर्शन और रीजन दिया है। पोलर रीजन ऑफ द अर्थ गेट नियरली 6 month days एंड 6 month night इन अ ईयर। और डे रीजन है डे एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है इन विच डिवाइस कोरोना डिस्चार्ज अकर्स। कोरोना डिस्चार्ज अकर्स का डिवाइस कौन सा है। इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है विच लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाएगा क्या होता है कि इसमें से कौन सा लॉ है जो कि ये बताता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन की या जो ब्लैक बॉडी से के द्वारा जो मैक्सिमम वेवलेंथ आती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती किसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट है द डोनर प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स आर डेराइव्ड इज कॉल्ड ऑर्टेट। नेक्स्ट है मेथड ऑफ फॉर्मूला दिए हैं तो हार्वर्ड मॉडिफिकेशन का हो जाएगा y इज इक्वल टू 8v/3r। सिमोंस मॉडिफिकेशन का होगा ऑप्शन नंबर 3 y इज इक्वल टू 2r/r² - x² v। स्विस मेथड का क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू y+z/c(c)। नेक्स्ट है सिंडर मेथड नीडर मेथड का जो होगा वो हो जाएगा p = 400/n(d)। आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है 12% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस इफेक्ट के। और स्टेटमेंट 2 जो दिया है वो है कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज लेस देन 5 ppm। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है लेकिन 2 जो है वो रॉन्ग है फाल्स है। नेक्स्ट है मैच करना है स्पीसीज है 3/10 कैटेगरी दी है तो आपको जो हो जाएगा वो आपको बताना है अरेबियन ऑस्ट्रेट जो दिया है ठीक है अरेबियन स्ट्रेट ठीक है इसका हो जाएगा एक्सटिंग। स्लोथ बियर जो दिया है उसका हो गया बल्नरेबल। जियान पांडा दिया है इसका हो जाएगा एंडेंजर्ड। और सिबेरियन टाइगर दिया है इसका हो जाएगा क्रिटिकल एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स इन एरोमेटिक क्रॉप्स इज डन थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। In which year the project Snow Leopard was launched in India to promote an inclusive and participatory approach to conserve snow leopards and their habitat is 2009. Next है current state of knowledge of carbon sequestration in agroforestry is in the state of solid liquid gas stage resulting low number of carbon projects बिकॉज ऑफ। इसका आंसर होगा ABCD ठीक है। नेक्स्ट है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट दिए हैं GPS इज द सैटेलाइट ठीक है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक सैटेलाइट है बेस्ड ऑन नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस रियल टाइम 3-dimensional लोकेशन वेलोसिटी टाइम वर्ल्ड वाइड ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि GPS इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका on utility that provides users with positioning navigation and timing P&T services। तो यहाँ पर जो statement 1 और 2 है वो दोनों ही सही है तो first and second are correct answer आ जाएगा first option। Tree species recommended for afforestation of sand dune areas in arid climates are वो है acacia totalis acacia leucofloca and acacia एकेसाई सिनेगल ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर द कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ प्लांट सक्सेशन विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस कुड रिप्लेस एक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज वो हो जाएगा आपका माइग्रेशन एस्टेब्लिशमेंट
ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन कॉम्पिटिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ ट्री आर 24.8 मीटर एंड 0.392 मीटर क्यूबिक रिस्पेक्टिवली. द डायमीटर ऑफ द थ्री ट्री एट द हाइट ऑफ 1 मीटर 1.37 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल आर 15.8 सेंटीमीटर 15.0 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो आपको हाइट और वॉल्यूम ये दिए हैं, आपको बताने हैं आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर. तो इसका आंसर होगा 0.93. आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर ये आएगा. मोस्ट कंसिस्टेंट इंडिकेटर ऑफ साइट क्वालिटी इज ट्री हाइट. ठीक है, साइट क्वालिटी का. नेक्स्ट है एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑब्टेंड फ्रॉम रोवोल्फा सरपेंटाइना कंटेन्स. तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो ऑब्टेंड किया जाता है रिजरपाइन से. नेक्स्ट है फिनोटिपिकली सुपीरियर ट्री इज़ नोन एज. जो फिनोटिपिकली सुपीरियर ट्री है उसे हम प्लस ट्री के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे जो आज की वीडियो सीरीज थी वो कंप्लीट हुई. सो आपको आई होप सो आपको समझ में आया होगा. और आपको कैसी लगी वीडियो सीरीज कमेंट करके ज़रूर बताएं. साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे आप हमारे साथ जुड़े रहें. थैंक यू.